हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सेकंड हैंड लग्जरी और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं मर्सिडीज़ की ऐसी कार कवर करने वाला हूँ जो कि एसयूवी है, और एसयूवी के साथ साथ ये काफ़ी लग्जरियस कार है। ये जो कार है वो बहुत ही पावरफुल कार है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे लाल वाला बटन है वो दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग कार्स की वीडियो जो है वो लाता रहता हूँ। और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो कार हम देखने वाले हैं वो है मर्सिडीज़ की GLA, जो कि एक SUV है। तो सबसे पहले मैं आपको इस कार की जो है वो एक्सटर्नल प्रोफाइल दिखा देता हूँ। ये कार आप देख सकते हैं, आपको इस कार के अंदर बहुत ही प्रीमियम लुक जो है वो देखने को मिलता है। इस कार के अगर हम हेडलैम्प्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, और इसके अंदर आपको DRLs भी मिल जाती है। जो अलॉय व्हील्स है वो भी काफ़ी मज़ेदार प्रोफाइल की है। आप इस कार की जो है वो पूरी साइड से एक बार प्रोफाइल देख लीजिए। ये कार जो है वो काफ़ी स्पोर्टी लगती है। यहाँ पे पीछे आपको GLA 200D की जो है वो बैजिंग देखने को मिलती है, मतलब ये कार जो है ये डीजल वेरिएंट है। आप इसकी जो पीछे से प्रोफाइल है वो भी पूरी देख लीजिए। कार जो है वो आपको पूरी ही क्लीन कंडीशन में देखने को मिलने वाली है। ये कार जो है ये सिल्वर कलर में है। मैं आपको इसकी एक बार अंदर से भी पूरी कंडीशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस कार के अंदर आ चुका हूँ, और आप ये कार जो है वो अंदर से पूरी देख लीजिए। यहाँ पे आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट के कंट्रोल मिलते हैं, मेमोरी सीट्स के भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको क्रोम प्लेटेड जो है वो AC वेंट्स मिलते हैं सर्कुलर शेप में। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो बहुत ही मज़ेदार क्रोम फिनिशिंग मिलती है। जो इस कार का इंटीरियर है वो आपको पूरा ही ब्लैक कलर में मिलता है। जो आप सीट्स की कंडीशन है वो भी पूरी देख लीजिए, आपको इसके ऊपर कुछ भी घिसावट जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको लेग्स के लिए एक्सटेंशन भी मिलता है जो कि आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है हैंडरेस्ट के अंदर, और यहाँ पे इसके अंदर आपको 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको 2 ग्लास होल्डर्स मिलते हैं। और जो पूरी कार की कंडीशन है वो पूरी देख लीजिए आप, काफ़ी आपको इसके अंदर अच्छी कंडीशन मिलती है। यहाँ पे आप ऊपर के साइड में देखें तो यहाँ पे आपको जो है वो पूरा ही पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। आप पीछे की भी एक बार कंडीशन देख लीजिए, मैं आपको पीछे की कंडीशन पीछे जाके ही बताता हूँ। तो ये है इस कार की पीछे की कंडीशन, आप ये भी पूरी देख लीजिए। आपको इसके अंदर लेग रूम जो है वो डिसेंट सा मिलता है, आपको ज़्यादा बड़ा इसके अंदर लेग रूम देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी अगर हम इस कार की डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये कार जो है ये है मर्सिडीज़ GLA सिल्वर कलर में। 2016 रजिस्टर कार है फर्स्ट ओनर, और 66,000 किलोमीटर चली हुई है। इस कार की जो आस्किंग प्राइस है वो है 19,50,000 रुपीज, जो कि नेगोशिएबल प्राइस होने वाली है। और इस कार के ऊपर आपको फाइनेंस का ऑप्शन भी जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, जो कि 13,65,000 तक का आपको इसके ऊपर जो है वो फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा। तो जिन भाइयों को ये कार पसंद आई हो, कार मॉल नासिक के अंदर आके विजिट कर सकते हैं, या स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर भी आप कॉन्टैक्ट करके इस कार की जो डिटेल्स है वो ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग कार्स की वीडियो जो है वो लाता रहता हूँ। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको लग्जरी कार्स में इंटरेस्ट है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।